नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्लांट है कि आपको मोगरा का है और ये बहुत ही फ्लावरिंग दे रहा है। तो अगर आपको मोगरा में फूल नहीं खिल रहे हैं, फूल खिलने से पहले कलियाँ गिर जा रही है या ग्रोथ विकास नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, स्किप नहीं करें, न तो आपका छूट जाएगा तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए, इसको क्या करना है कि समर में इसकी भर भर के फूल आती है और कैसे आती है उसके बारे में भी दिखाऊंगी कि कैसे आता है और कौन सा खाद डालनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होता है एक छोटा सा कंटेनर में। अगर आपको मोगरा प्लांट लगाए हैं तो इसको क्या करना है कि आपको समर में जैसे ही समर आता है तो इसको न्यूट्रिशन दीजिए, गुड़ाई कीजिए, पिंचिंग कीजिए। तो प्रॉपर मैं वीडियो इसको बनाई हूँ कि कैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो फिर भी मैं बता देती हूँ दोस्तों कितना ज़्यादा कैसे आता है। तो अगर आप लगाए हैं तो इसको पिंच करना ज़रूरी है, पिंच कीजिए। और एक बार पिंच कीजिएगा तो वहाँ से दो तीन ब्रांच निकलती है और लहराता हुआ पौधा कैसे रहता है सामने आप देखिए दोस्तों कि कितना सुंदर इसमें लहरा रहा है और इतना फूल दे रहा है। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा कुछ न्यूट्रिशन दे देती हूँ। जैसे ज़्यादा अगर एक महीना पर आप दे रहे न्यूट्रिशन तो कुछ दूसरा दीजिए। और इसमें नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, द नाइट्रोजन आप दीजिए। इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती दीजिए, गोबर की खाद दीजिए। और इसको फिर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि मैं कुछ न्यूट्रिशन डालूँगी और इसको डालकर मैं दिखाऊँगी आपको कि इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे देता है। तो 15 दिन पहले मैं जो नाइट्रोजन दी थी तो गोबर की खाद दी थी दोस्तों, और उसमें आप थोड़ी सी सूखी हुई चाय की पत्ती दी थी। तो इसके कारण देखिए कि मेरा कितना सुंदर यहाँ फ्लावरिंग हो रहा है। और अभी जो मैं दे रही हूँ दोस्तों कि इसमें देखिए कि ये सीविड है, और ये सीविड को देने के लिए फ्लावरिंग के समय ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ऐसे लिक्विड बनाइए और थोड़ा सा पानी में डालकर छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद आप लिक्विड इस तरह से आप डाल दें तो भर भर के फूल आएगा।